आइए प्यारे बच्चे ले लीजिए बेहतरीन क्वेश्चन, दो चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया, सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स उन्होंने बोले हैं, तो तुम मन में सोचो a+1 a+2 a+3 ऐसा, मगर a के साथ डील करोगे तो उलझ जाओगे। तुम क्या करो, 1 से लेकर 11 तक सिंपल स्टार्टिंग के 11 नेचुरल नंबर मान लो। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब जीरो नहीं। अच्छा, जीरो नहीं तो उन्होंने एक और भाषा में बोल दिया विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अच्छा, एक बार ऐसा गिनो और एक बार ऐसा गिनो, उसको भी मना कर दिया पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस बोलकर, यानी कि जो भी है एक प्रकार का मान लो। तो जरा सुनिए, कॉमन डिफरेंस यदि वन रखा जाए, कॉमन डिफरेंस यदि वन रखा जाए तो कितने सेट बनेंगे, ध्यान से देखना। वन से शुरू होने वाला 1 2 3, दूसरा सेट 2 से शुरू होने वाला 2 3 4, फिर तीसरा सेट 3 से शुरू होने वाला 3 4 5, आखिरी सेट क्या होगा, 11 10 9। 9 सेट बनेंगे जिनका कॉमन डिफरेंस 1 है। अब जरा सोचो, कॉमन डिफरेंस 2 वाले कितने सेट बनेंगे, 1 3 5, 2 4 6, फिर 3 5 7, उल्टे चलो, 11 9 7 7 9 11, ध्यान देना। तो कितने सेट बने इस बार, अभी एक पैटर्न बन जाएगा, फिर आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, 1 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला, 3 से शुरू होने वाला, आखिरी कौन सा होगा। तो 11 से 3 कम करिए 8, से 3 कम करिए 5, 5 6 7 8 9 10 11। अब ध्यान से सुनिए, D बराबर 4 वाले कितने होंगे, 1 2, तो 11 में से 4 कम करो, मेरे ख्याल से 7, फिर उसमें से 4 कम करो 3, यस, 3 में 4 जोड़े 7, फिर 4 जोड़े 11, फिर D बराबर 5 वाले बता दो मेरे भाई, 1 में 5 जोड़ा 6, में 5 जोड़ा, आउट ऑफ सर्विस हो गया, यस, आप समझ रहे हो मेरी बात को, 1 में 5 जोड़ा, 6 में 5 जोड़ा, नहीं नहीं ये तो अलाउड रहेगा, मैं तो 12 समझा, आई एम सॉरी, ऐसा दिमाग वहां काम कर गया ना, गड़बड़ हो जाएगी। फिर मेरे दिमाग में ये क्यों आया मालूम, देखो पैटर्न बन गया, 9 7 5 3 1, मतलब इधर एक आना चाहिए जबकि जीरो आ रहा था, तो मैंने तुरंत पकड़ लिया, ऐसा एक्टिव दिमाग रहना चाहिए। मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगा जिससे कि आपको यह पता चले कि यह पैटर्न है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अपन ने इसको जोड़ा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यह हुआ 10, यह हुआ 10 20 और 5 25 अपॉन 11C3, ध्यान से देखिएगा, 25 × 3, मतलब 3 × 2 × 1, और नीचे हो गया 11 × 10 × 9। अब ध्यान से सुनिए, 5 5 जा 5 2 जा, 2 से 2 काट दिया, इससे इसको काट दिया, तो ऊपर बचा 5, नीचे बचा 33, आंसर, थैंक यू।